हेलो गाइस, आप सबको बीबी के वाइंस के बारे में पता ही होगा और आप सबने ऐड देख ही ली होगी टैब्जो की। आज मैं आपको बताऊंगा टैब्जो के बारे में, इसको कैसे यूज करते हैं और कहां कहां यूज हो सकती है और कैशबैक कैसे मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। जो टैब्जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका जो इंटरफेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले जो आपको ये ऊपर दिख रहा है ये है बैनर एड्स। इसके अंदर आपको सारी एड्स मिलती रहेंगी जो न्यू अपडेट्स होंगे। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको रिचार्ज का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर मिलेगा मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज एंड डाटा कार्ड रिचार्ज। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है ऊबर एंड ओला। आप इसके अंदर कैब्स बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको प्राइस बेटर लग रहा है वो आप कैब बुक कर सकते हैं। ऊपर आपको मिलेंगे कूपन कोड्स जो चल रहे हैं, इसमें कूपन कोड्स अपडेट होते रहते हैं दिन के हिसाब से। इसके अंदर आपको ओला मिल जाएंगी सारी और सेकंड ऑप्शन में आपको ऊबर मिल जाएगा। जो थर्ड हमारा ऑप्शन है वो है ऑर्डर फूड का। इसके अंदर आप जोमेटो, स्विगी और फासूस से अपना खाना मंगवा सकते हैं घर बैठे बैठे। इसके अंदर आपको दो डिस्काउंट मिलेंगे, एक मिलेगा टैब्जो की तरफ से, एक मिलेगा आपको स्विगी या जोमेटो की तरफ से। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पे बिल्स। इसके अंदर आप घर बैठे बैठे अपने लैंडलाइन बिल्स, पानी के बिल्स एंड गैस बिल्स और पोस्टपेड बिल्स भर सकते हैं। आज मैं आपको बिल पे करके दिखाऊंगा कि आप बिल कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे 98 रुपीज दिख रहे होंगे। ये 98 रुपीज मेरा कैशबैक है, जो मैंने पहले बिल भरा था उसके अंदर मेरे को ये 98 रुपीज मिले थे। कई बारी स्कीम्स होती हैं, कई बारी नहीं होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आपको सिर्फ सेम ही चीज़ के ऊपर हर बारी स्कीम मिले। आपको आज मैं सिखाऊंगा कि इसके अंदर आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लिक कीजिए अपना। इसके अंदर आपको सारे मर्चेंट दिख जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब जो मेरा मर्चेंट है वो है टाटा पावर DDL। इसके अंदर मैं अपना CA नंबर डालूंगा। CA नंबर आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है। आइए इसके अंदर अब मैं नंबर डालता हूँ। जैसे ही मैंने अपना पूरा नंबर डाल लिया उसके नीचे आएगा गेट बिल डिटेल्स। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फेच करेगा मेरा बिल को। अब मेरा जो बिल है वो आ गया 440 रुपीज। अब इसके अंदर मैं रिमाइंडर भी सेट कर सकता हूँ अगर मेरे को अभी बिल नहीं भरना है। अगर मैंने इसके अंदर रिमाइंडर सेट किया तो ये मेरे को रिमाइंड कराता रहेगा कि आपका बिल ड्यू है, आपका बिल ड्यू है। अब मेरे को तो बिल भरना है तो मैं प्रोसीड कर दूंगा, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया प्रोसीड टू बिल। जब आप प्रोसीड टू बिल पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपका सारा आ जाएगा, बिलर टाटा पावर, बिल अमाउंट 440 और कन्वीनियंस चार्ज जो कभी नहीं लगते, सिर्फ ये ऐसी शो करता है और आपको कट करके दिखा देता है कि हमने कन्वीनियंस चार्ज हटा दिया है। अब इसके अंदर आता है रिडीम टैब्जो कैश, जो कैशबैक होता है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको टिक कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो इसको हटा दीजिए। अब मेरे को टैब्जो कैश यूज़ करना है और उसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। अब इधर आ रहा है अप्लाई कूपन कोड। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली कूपन दिखा देगा। अभी देखिए, अभी ये कूपन चल रहा है जिसमें आपको 10% कैशबैक अप टू 50 रुपीज़ ऑन नेक्स्ट कैब राइड। अगर आप नेक्स्ट कैब राइड लोगे तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 50 रुपीज़। अब इसके अंदर हाल अभी तो कोई कूपन है नहीं तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर टिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपका जो बिल है वो 400 से अबव होना चाहिए। अब इसके अंदर 400 से तो बिल अबव है हमारा, लेकिन इसमें हमारा टैब्जो कैश यूज़ हो रहा है तो इसलिए वो कूपन यूज़ नहीं हो पाएगा। अब इसको हम विदाउट कूपन हम इसका बिल पे करेंगे। अब इसके ऊपर हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जैसे कि फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वाई पे कैश, पे कैश, पे पेजैप, एयरटेल मनी, ऑक्सीजन
एंड मोरविक। अब इसके अंदर आपको मिलता है, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्री चार्ज से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% कैशबैक है। टैबजो की तरफ से कैशबैक अलग है और फ्री चार्ज की तरफ से कैशबैक अलग है। अब जैसे देखिए इसके अंदर लिखा है मोबीक का कैशबैक, अगर आप मोबीक से पेमेंट करते हैं तो आपको अप टू 100 रुपीज़ कैशबैक मिल सकता है, मिनिमम ट्रांजेक्शन 150। आपके में जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो 150 या 150 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको अप टू 100% कैशबैक मिलेगा। 1% से लेकर 100% तक वो वेरी करता है मोबीक के थ्रू। अब आपको जिससे पेमेंट करनी है वो अपना मोड सेलेक्ट कीजिए। अब मैं इसके अंदर फ्री चार्ज से पेमेंट करनी है, मैंने इसके अंदर फ्री चार्ज पहले से ही सिंक कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर टिक करूँगा और ये पूछेगा कि आपको पेमेंट कंटिन्यू करनी है या कैंसिल करनी है। हमें पेमेंट कंटिन्यू करनी है, हमने कंफर्म किया और ये कोई OTP नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा और ये आपकी पेमेंट डन कर देगा। अब जो पेमेंट है वो मेरी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। OTP इसलिए नहीं ली क्योंकि फर्स्ट टाइम OTP लेता है, उसके बाद आपका फ्री चार्ज इसका सिंक हो जाता है। आपको अपना सीधा जस्ट फ्री चार्ज के अंदर कैश ऐड करना है और आपकी सीधा पेमेंट यहाँ से डन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारा बिल भर गया है या अभी भी ड्यू है। अब आप साइड में एक 3 बार्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी एक ड्रॉअर खुलेगी। इसके अंदर आपका होगा माय ट्रांजैक्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आएगा बिल पेमेंट कंप्लीटेड, मतलब आपकी ग्रीन बार आ गया तो आपका बिल सक्सेसफुली पेड हो गया। अब देखिए आपका जो कैशबैक है वो भी 0 हो गया है। इसी तरह आप टैबजो को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस और अपना मैसेज सेंड कीजिए। आपका रिप्लाई 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।